तो आज है हमारा यहाँ पर दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं मच्छियाल। बच्चे चले गए हैं स्कूल और सरोज आज ऑफिस नहीं गई, तो इसलिए हम आज मच्छियाल जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं मच्छियाल। अब हम चल पड़े हैं मच्छियाल। हम बैठ चुके हैं अब गाड़ी में। बुला रहे थे, बुलाना भी बैठ देना, अंदर से जाते ऊपर। नहीं नहीं परे से चल पड़े हैं जी। अब मच्छियाल शिमला में है, जहाँ से बाहर को निकलते हैं एंटर का जो दूसरा हिस्सा। हाँ बड़ी ने बोला मैंने मिलना था दीदी वगैरह से, मैं कहता आ जाना बाहर मिलना, मैं मिलाती हूँ तेरे को। बोला यार मेरे को ऐसी लग रही थी, मैंने कहा वही करा दो। अच्छा तो चलो बोल तो चलो बोलना होगा ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर और मैं अब आपको मच्छियाल का मंदिर दिखाती हूँ। ये है जी शनिदेव मंदिर, यहाँ पर अभी नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। यहाँ हमारी पूजा हो रही है शनिदेव मंदिर में। यहाँ पर मंदिर में हम सबसे पहले जला रहे हैं धूप, पहले धूप जलाएंगे और उसके बाद करेंगे हम पूजा। चलो चलो वही आगे से आगे। अरे सारा डालो शीला के ऊपर, डालो शीला के ऊपर, छू छू। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। यहाँ पर कर रही हूँ मैं अब शनिदेव के दर्शन। तो दर्शन करने के बाद हम चले जाएंगे दूसरी जगह पर। शनिदेव के दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा, ऐसी शांत दर्शन कभी एक बार मिलते एक बार। अब हम चल पड़े हैं दूसरे मंदिर, तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। कौन से हनुमान जी? कौन है भैया, कोई भी नहीं देने वाले। अब चल पड़े हैं हम मच्छियाल के दर्शन भी करेंगे और आगे क्या क्या करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मंदिर में हमने दर्शन कर दिए हैं और अब हम जा रहे हैं मच्छी को खाना खिलाने। यहाँ एक छोटी सी दुकान है, तो वहाँ से हम सूखा आटा ले जा रहे हैं। आपको मैं नदी दिखा देती हूँ जहाँ पर हमने मछलियों को खाना देना है। और आँखें नहीं खुल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। अब चल पड़े हैं हम नदी की तरफ, तो आगे आगे है सरोज और दीदी, क्योंकि थोड़े स्टेप ऊंचे ऊंचे हैं तो थोड़ा सा चलना मुश्किल हो रहा है। अब हम पहुंच गए हैं नदी के पास और ये है दीदी जो कि आटा गूंदने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मीठा भी डाल दिया हुआ है कि मीठे के साथ आटा गूंदना पड़ता है, तो इसलिए अब हम आटा गूंदेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर हम मच्छी को खिला देंगे। तो अब देखते हैं आगे आगे, पहले दीदी आटा गूंदेंगे। मैं बोल रही थी पर उन्होंने मना कर दी कि नहीं मैं ही गूंद लेती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे को मच्छी दिख जाए, पर अभी नहीं दिख रही है, तो शायद थोड़ी देर के बाद दिख जाएगी। यहाँ पर दीदी ने आटा गूंदना शुरू कर दिया है और सरोज जला रही है यहाँ पर धूप। हवा यहाँ नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा है। यहाँ पर जीजू ने आटा डालना शुरू कर दिया है और ये थोड़ी थोड़ी मच्छी भी दिखने लगी है। अब इकट्ठी हो जाएगी सारी मच्छियाँ। बोलते हैं कि यहाँ पर एक मच्छी है जिसके सोने की नथ लगी है, तो अगर वो दिख जाए तो बहुत ही भाग्यशाली होता है, जो कि शायद हमें नहीं दिखेगी। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे पर वो हमें नहीं दिखी, शायद किसी भाग्यशाली को ही दिखती होगी वो मच्छी। हेलो जोर से डाल दे दिन के मुंह के पास पर। हेलो हाँ जी नमस्ते जी। और यहाँ पर बना रही है सोच वीडियो और मैं डाल रही हूँ मच्छी को खाना। ये ऊपर ना पुल का काम लगा है। सोच बोल रही है मुझे कि छोटे छोटे गोले डाल और वीडियो सोच बना रही है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम तो आएगी ही क्योंकि वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं है वीडियो बनाने में। और शायद हमारे को भी कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, पर सॉरी। Yay! Yeah.
से भी जहाँ मछलियाँ होती है वहाँ पानी बहुत साफ। ये देख ये है खिलाने का मजा, जैसे एक दूसरे को कूद के। अब हम चल पड़े हैं वापस, हमने मछली को खाना खिला दिया है। अब हम चल पड़े हैं दूसरी जगह, वो जगह भी आपको दिखा देते हैं कि कौन सी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है, तो हमें हमारी छोटी बहन बताएगी कि वो कौन सी जगह है और क्या दिखा रही है वो हमें। ये है पावर हाउस, ये है अंग्रेजों के टाइम का, ट्रेन जाती है यहाँ से ऊपर है, पानी तो नीचे है वो तो घूमती ना टरबाइन। अच्छा उसमें तो कार का था एक बार कहाँ का, यहाँ पर बनती है ना बिजली, यहाँ होती है जी बिजली तैयार जोगिंदर, पूरे जोगिंदर नगर के लिए। मेहमान जी के बहुत है पावर हाउस से जितनी जहाँ के लिए इसकी होगी ना, जितनी जहाँ के लिए। एक सौ बत्तीस नहीं नहीं हम दोबारा से चल पड़े हैं मछियालों वापस, क्योंकि सरोज के पड़ोसन का फ़ोन आया था कि वहाँ पर समोसे अच्छे मिलते हैं, तो हम ले जा रहे हैं समोसे खाने के लिए। यहाँ पर बनते हैं समोसे, समोसे की बहुत पुरानी दुकान है और सबसे अच्छे समोसे बनते हैं यहाँ पर, फेमस दुकान है ये समोसे की। और ये है सोहन स्वीट शॉप, मछियाल में है ये शॉप, और यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर पर ही समोसे बनाए जाते हैं। समोसे के साथ साथ यहाँ पर पकौड़े भी मिलते हैं और साथ में बनता है ब्रेड पकौड़ा, तो चीज़ यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं चाय और पकौड़े। आपका ब्लॉग भी बना रही है लड़की साथ, फेमस कर रही हूँ फेमस। जब ये समोसे बना रहे थे तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये शूट करना चाहता। अब मैं आ गई हूँ होटल के पास से वापस और दीदी वगैरह अब आएंगे। जो मैंने आपको होटल दिखाया उसमें तीन चीज़ें बनती है, एक वो क्या समोसा पकौड़े और शाम के टाइम बनता है ब्रेड पकौड़ा, तो ये तीनों चीज़ें इतनी अच्छी बनाते हैं कि समोसा और पकौड़ा तो हमने टेस्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, मतलब बिल्कुल क्रंची जिसको बोलते हैं क्रंची पकौड़ा बना हुआ था, और ब्रेड पकौड़ा हमने टेस्ट नहीं किया क्योंकि ब्रेड पकौड़ा शाम के टाइम बनता है, तो इसलिए हमने ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया, और वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। ये आ चुकी है मेरी बहने। हेलो हेलो बहन, हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक है। हेलो ठीक है। हमने समोसा ले लिया है और अब हम चल पड़े हैं वापस, और ये है जोगिंदर नगर की हसीन वादियाँ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो अब घर पहुँच कर क्या प्लान बनता है तो आपको घर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि अभी हमने करना है लंच, तो लंच के बाद क्या प्रोग्राम बनेगा तो वो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। अब हम घर पहुंचने वाले हैं और एक जगह और जाना है, जाते हैं या नहीं वो घर पहुंच के पता चलेगा। अब हम पहुंच चुके हैं घर, अब हम घर पहुंच चुके हैं, शायद थोड़ी देर के बाद और जाएंगे तो वो आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ जाएंगे। और पहले जा रहे थे हम मार्केट तक, और मार्केट में पहले जा रहे थे हम कहाँ पता नहीं, कोई पहाड़ नहीं वो मछियाल तो गए थे बेटा, तुम जब रोड बोलते हो आपको वहाँ क्या है खास। पहले हम कहीं और जा रहे थे और अब जा रहे हैं हम मार्केट तक, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए और बच्चों को भी ले जा रहे हैं मार्केट, तो चलते हैं। आ चुके हैं जो जोगिंदर नगर की मार्केट में, आप लोगों को भी घुमाते हैं।
मार्केट तो हम पहुंच गए हैं और वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि सरोज का बेटा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और इधर से चला हुआ है ट्रैफिक। तो मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।